Today's topic is analytical chemistry, or this is for the MSc semester 4 students who has taken inorganic chemistry as their special paper. So in TNB college, I think 3-4 students has taken the inorganic special, and for this we are discussing this analytical chemistry. And in this chapter 1, we are going to discuss about the scope and methods of analytical chemistry. First, the definition of analytical chemistry. You can see here, analytical chemistry is a branch of science where we discuss and detect, analyze and estimate the nature, composition, impurity, etc. of a substance, and also find the amount of undesirable substance, or we can say it impurities, in a matter. The matter can be solid, liquid or gases. And I think from the beginning, जैसे हम लोग शुरू से chemistry में practical का काम करते हैं, आप एक salt analysis से काम शुरू करते हैं, titration का काम करते हैं, तो qualitative और quantitative analysis के through हम लोग पहला काम करते हैं कि उसकी प्रकृति का पता करते हैं कि किसी salt में कौन सा substance मौजूद है, या कोई inorganic liquid है या solid है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन क्या है, तो इसके थ्रू हम लोग उसका क्वालिटी का पता करते हैं. और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग सीखे होंगे वो है टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट, या पार्ट थर्ड में आपने किया होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, या अभी आप कर रहे होंगे. तो उसके थ्रू हम लोग अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, एग्जैक्टली किसी सब्सटेंस में क्या है, उसका पता करते हैं. तो ये कुछ मेथड्स आपने सीख रखे हैं, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जाता जा रहा है, और जीवन के हर एक फील्ड में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज है, चाहे वो मेडिसिन का हो, इंडस्ट्री का हो, हेल्थ है, बायोकेमिस्ट्री है, बेसिक साइंस में रिसर्च का काम है, एस्ट्रोनॉमी है, या आप जियोफिजिक्स कह सकते हैं, इवन सोशल साइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आजकल होने लगा है, और इवन आप इन्वायरमेंटल साइंस में कई सारा काम आप इससे देखते हैं. तो इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या यूज है डिफरेंट फील्ड्स में. जैसे पहला हमने लिया है मेडिसिन एंड हेल्थ में. पूरी दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, जिन लैब्स में रोज हजारों ब्लड सैंपल्स का, यूरिन का, स्वैब का, स्टूल का टेस्ट करके हम लोग डिजीज को डिटेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करने का प्लान भी करते हैं. ब्लड टेस्ट करने से हम लोगों का ब्लड के अंदर जो डायबिटीज का है, हार्ट अटैक किसी आदमी को हुआ है, उसका पता कर सकते हैं. यूरिन में हम लोग पता करते हैं कि उसका किडनी कितना परसेंट काम करता है. एक नया टर्म हमने यहाँ पे लिखा है स्वैब, जो आज के दिन में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे कि कोरोना वायरस का समय है. और यहाँ जब पेशेंट का हम लोग स्वैब लेकर के चेक करते हैं, उसके नाक या मुंह से जो छींकने का जो लिक्विड रहता है, छींक आने के समय या जो गले के अंदर जो लिक्विड है, उसको हम लोग स्वैब कहते हैं. और इसी स्वैब को आप देखते होंगे टीवी वगैरह में, कि उसको स्वैब को रूई में सटा करके रखा जाता है, फिर सैंपल को कूल करके हम लोग उसको रखते हैं, और इसी स्वैब के टेस्ट में पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट्स को कोरोना वायरस का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके आरएनए में किस तरह का काम करते हैं. और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आरटीपीसी टेक्निक जो है, उस टेक्निक के द्वारा हम लोग इस स्वैब का एनालिसिस करते हैं. आगे चलकर के एनालिसिस है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर रख सकते हैं, और उसका हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे. हेल्थ के सेक्टर में आप एक्सरे टेक्नोलॉजी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या और भी कई तरह के टेस्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट्स को कितना हद तक बीमारी में जकड़ रखा है, और क्या उसका प्रॉपर इलाज हम लोग कर सकते हैं. ये तो है डिजीज के डिटेक्शन का. लेकिन जब आप ड्रग डिजाइन की बात करते हैं कि पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है, तो इसमें भी एनालिसिस किया जाता है, और कई सारे मेथड्स जो कि हाई एंड रिसर्च लेबोरेटरी में काम होते हैं,
जिसके द्वारा ड्रग डिजाइन का काम किया जाता है उसमें एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सआरडी है, टीएलसी है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है, ये सब हम लोग के थ्रू हम लोग एक दवा का मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और फिर हम लोग उसको पेशेंट्स को देते हैं। तो सभी जगह पे इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, एक हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट डेवलप कर लिया है और इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने सारे फील्ड हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल है। और हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप में, यहाँ पे केमिस्ट्री ही है जो आपका सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में आपने कुछ प्रैक्टिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किए होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किया है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी किया है। जब आप ऑर्गेनिक में एक प्रिपरेशन करते हैं तो कंपाउंड हमारा कितना बना, कैसा बना, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिनेशन करके ही हम लोग उसको पता करते हैं कि हमारा कंपाउंड कौन सा बना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए कंपाउंड का सिंथेसिस, उसका करेक्टराइजेशन, और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल कॉन्स्टेंट का डिटर्मिनेशन, जैसे कि विस्कोसिटी का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, सरफेस टेंशन का किया होगा, या पार्टीशन कोफिशियंट्स निकाल करके हम लोग उसका डिफरेंट मीडियम में सॉलिबिलिटी वगैरह चेक करते हैं, तो ये केमिस्ट्री का काम तो आप करते ही हैं। दूसरा हमारा ब्रांच है जहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज है, स्कोप है, वो है फिजिक्स। और फिजिक्स आजकल एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में और बायोफिजिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे अभी हम लोग अपने अर्थ के चारों बगल जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, मार्स, अभी मिशन मार्स हमने किया था, हमारी इच्छा रहती है कि चंद्रमा का जो सरफेस है वो कैसे बना हुआ है, उस पर पानी है कि नहीं है, मार्स का जो सरफेस है उस पर किस तरह के रॉक्स हैं, वहाँ पे वाटर है कि नहीं है, वहाँ एटमोसफेयर का कैसा हाल है, वहाँ टेम्परेचर क्या है। इसके लिए हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी हाई क्लास के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे स्पेस साइंस में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है और इससे हमारा फ्यूचर भी डिपेंडेंट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इज द इंजीनियरिंग साइंस, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक सिविल इंजीनियरिंग में आपको लगेगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या काम है, क्योंकि साधारणतः हम लोग समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का काम है बिल्डिंग का मैप बनाना, नक्शा बनाना, लेकिन जब कोई मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं आखिर उस रॉड का, उस छर का, उस कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना फोर्स लगेगा, सड़क कहीं पर बनी तो उसकी क्वालिटी कैसी हुई, कहीं पे ब्रिक्स कैसा लगाया गया, या पुल कहीं बन रहे हैं, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें उसका फोर्स कितना लगना है, वो काम कैसा हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए हर एक गवर्नमेंट का ऑफिस हो, लेबोरेटरी हो, वहाँ पे R&D के लिए का रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करते हैं जिससे हमारा सारा इंडस्ट्री डिपेंडेंट रहता है। उसमें केमिकल इंजीनियरिंग खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर नए तरह के सब्सटेंस को बनाने के लिए हम लोग नए नए मेथोडोलॉजी हर एक दिन डेवलप करते हैं। फर्टिलाइजर बनाना हो, पेस्टिसाइड्स बनाना हो, दवाएं बनानी हो, सबके लिए हम लोग इस साइंस में यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के वायर्स, उनके रेसिस्टेंस का पैरामीटर, कंडक्टेंस का पैरामीटर और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, मोटर का बनाना। और हमारा जो मेटलर्जिकल साइंस है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरा इसमें छूट रहा था, दिस आई कैन ऐड यू द मेटलर्जिकल साइंस, जहाँ पर हम लोग तरह तरह के मेटल्स को और उसके डिफरेंट ओर से निकालते हैं और उसके क्वालिटी, स्टील का एनालिसिस, अल्मोनियम का एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के स्टील्स बनाना, 30 से ज़्यादा तरह के स्टील्स बनाए जाते हैं। अब उसमें कौन सा कंपोजिशन कितना रखा जाए ये डिपेंड करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के आधार पे, या हम लोग उसमें कार्बन का अमाउंट कम करना है, मैग्नीज का अमाउंट बढ़ाना है, क्रोमियम को बढ़ाना है, तो इससे उसके क्वालिटी में चेंज आता है, ये सारा काम एनालिटिकल केमिस्ट्री का होता है। देन थर्ड फोर्थ इज मेडिसिनल एंड हेल्थ, अबाउट विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इन द क्लिनिकल साइंस वी आर हैविंग डिफरेंट क्लिनिकल टेस्ट थ्रू द एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी, हियर वी कैन डिस्कस द फार्मेसी, द टॉक्सिकोलॉजी एंड द मेडिसिनल केमिस्ट्री, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस मेनी पीपल आर जस्ट थिंकिंग
कि हाउ दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री ए ब्रांच ऑफ साइंस इज एप्लीकेबल फॉर द सोशल साइंस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू वांट टू नो कि कोई सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या विक्रमशिला अपने बगल में है, वो कितने साल पहले का है, तो वहाँ के जो रॉक के सैंपल होते हैं, जो वुड के सैंपल होते हैं, उनका हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा उसका एज पता करते हैं. तो जो हिस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है. एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग डिफरेंट जो फॉसिल्स मिलते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के, उसके थ्रू हम लोग वहाँ के लाइफ के बारे में, मनुष्य के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं. आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी और इस तरह से कई सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं और उससे हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पर कितने साल पहले जीवन कैसा था, उसका कैसा रूप था और फिर किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोरेंसिक साइंस. फोरेंसिक या क्रिमिनोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं. एक क्रिमिनल कहीं पर पकड़ाता है तो उसका हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं और उस फिंगरप्रिंट को हम लोग एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में अपने दर्ज करा देते हैं और फिर कहीं दूसरे जगह क्राइम होता है तो हम उस क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट को लेकर के उसको मैच कराते हैं. कैमरा का यूज, पाउडर का यूज, या आप देखे होंगे कि कोई आदमी घूस लेता है, रिश्वत लेता है, तो उसको जो रुपया दिया जाता है उस रुपये में पाउडर लगा करके दिया जाता है और वो पाउडर के साथ जैसे ही वो पानी में हाथ डालता है उसका हाथ लाल रंग का हो जाता है, जिससे आप लोग उसको पकड़ सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ए स्कोप ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड दैट्स व्हाई इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस. देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज द एग्रीकल्चर. इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर वी आर नॉट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉप्स, देयर ऑप्टिमम प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, हॉर्टिकल्चर, सॉइल टेस्टिंग, दीज आर डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. आजकल सॉइल टेस्ट करके हम लोग ये पता करते हैं कि किस सॉइल का पीएच कितना है, उसका अल्कलिनिटी कितना है, उसमें एसिड की मात्रा कितनी है और कौन सा क्रॉप उसके लिए सुटेबल होगा. ये सब काम भी हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फील्ड में, थ्रू द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं. नाउ कम्स टू वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ द साइंस दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल साइंस. एंड हियर थ्रू द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री वी आर गोइंग फॉर द इकोलॉजी. इकोलॉजी मीन्स कि हाउ द प्लांट्स, animals, they are being related to each other, with the water bodies, to the gases, etc. In the environmental chemistry, we are analyzing the water for their impurities, the air quality. आजकल सभी जगह आप देखते हैं कि एयर में कितना SPM की मात्रा है, इसके लिए मॉनिटर लगाए जाते हैं. और संजोग से दो महीने के इस कोरोना काल में एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, चूँकि हमारे सड़कों पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी कम है, इसलिए एयर क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो काफ़ी अच्छा सुधर गया है. और ये भविष्य के लिए भी हमको ये बताता है कि धीरे धीरे यदि हम लोग कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल भी करें, तो हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे स्थिति में ला सकते हैं. जो असंभव सा लग रहा था वो भी दिख रहा है. अभी एनालिसिस करके देखा गया है कि गंगा का पानी ऋषिकेश तक पीने के लायक हो गया है. उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 6 पर पहुंच गई है, 6 PPM पर आ गई है, जो कि अधिकतम देखा गया है पहले, और वह पीने लायक पानी है. उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी काफ़ी कम हो गया है. और मेट्रोलॉजी कि हमारा क्लाइमेट कैसे है, जैसे अभी हम लोग भविष्यवाणी देख लेते हैं कि आज वर्षा होने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, तो इस मेट्रोलॉजी में भी हम लोग हवा के मूवमेंट से, प्रेशर से, टेम्परेचर के ग्रेडियंट से, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके पता करता है कि हमारा वेदर कैसा रहेगा. ओशनोग्राफी एक नया ब्रांच साइंस का काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है. हमारे धरती का जो 3/4 हिस्सा है वो महासागरों से भरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है, और उसमें जो पानी है, वो पानी का जो सैलिनिटी है, उसके अंदर जो क्या पॉल्यूशन है, इन सब को हम लोग ओशनोग्राफी के साइंस में देखते हैं. और ये और इसी तरह से हम जियोलॉजी में, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स आप देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का है, और पूरा लाइफ साइंस है, ये भी हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है.